आज इस वीडियो में कल का लेक्चर का कंटिन्यू करते हुए 11th क्लास का त्रिकोणमिति को हम उसका फार्मूला ड्राइव करने का तरीका बताते हैं, प्लस उसमें जो हम पीछे क्लास में बताए थे आप लोगों को ग्राफ बताने के लिए। तो देखिए वैल्यू जो आपको बताए थे 360 प्लस दो मतलब 360 प्लस 360 मतलब 720 तक का निकालने के लिए बोले थे, तो वो आपको साइन या कॉस का ग्राफ बनाने के लिए खींचे थे। ठीक है, तो आपका यहाँ से साइनसोइडल ग्राफ इस तरह से आपका मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीरो था, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट पे 90 डिग्री, फिर आपका 180 डिग्री, यहाँ पे फिर आता है आपका 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 360 डिग्री, 360 का रिपीट करेगा फिर से, ये फिर से ग्राफ ऐसे जाएगा। जब ये साइन का आपका ग्राफ, ये साइन के लिए, सिर्फ साइन के लिए, ठीक है, साइन वेव, ये साइन वेव भी बोला जाता है। ठीक है, ये साइन वेव, अगर कॉस का हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कॉस का आपका मैक्सिमम होता है यहाँ पे, और इस तरह से ग्राफ आपका भागते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब कॉस जीरो डिग्री रहता है तो उस समय आपका मैक्सिमम वन रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वन है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू माइनस वन है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी वैल्यू माइनस वन है, ये 90 डिग्री पे जीरो, यहाँ पे 180 पे माइनस में जाता है, यहाँ 270 पे फिर से जीरो, फिर यहाँ पे 360 पे मैक्सिमम, फिर से यहाँ पे आपका 90 पे फिर से जीरो, मतलब 360 प्लस 90, ठीक है, 450 पे फिर ऐसे, मतलब आपका ग्राफ आया होगा अगर आप लोग बनाए होंगे तो, उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जो फार्मूला कैसे आता है, आपका फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग बोले थे कि आपको दो फार्मूला याद रखना है, उसी दो फार्मूला से आपका कंप्लीट हम पूरा त्रिकोणमिति का हम सोल्व करेंगे। कल का फिर से याद दिला रहे हैं, साइन आपका ए प्लस बी बोले थे, तो आया था फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसी तरह से आपका आया था कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, तो यहाँ पे जब बोले थे कि माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ये आपको बताए थे। तो इसी फार्मूला से हम आपका दिखा रहे हैं टैन ए प्लस बी का फार्मूला, तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी। देखिए फार्मूला आपका यहाँ पर सामने है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ऊपर नीचे हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देख जो कटने वाला उसको काट दे रहे हैं, ठीक है, कट गया यहाँ पे, दोनों कट गया, यहाँ पे आपका कुछ नहीं कटा, तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ गया, ये ऊपर लिख रहे हैं हम आपका, तो ये आपका देखिए साइन ए बटा में कॉस ए टैन ए प्लस यहाँ पे टैन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, टैन ए प्लस बी का, जो कि हम लोग निकाले हैं आपका जो साइन ए प्लस बी का था, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था, उसी से निकाले हैं। अगर सिमिलरली यहाँ पे आपका टैन ए माइनस बी रहता तो आपका देखिए यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टैन ए
माइनस टैन बी बटा में वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका बनता है, इस तरह से है। अब और भी फार्मूला हैं जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो उसका हम लोग चल रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम साइन टू थीटा का फार्मूला हम लोग बहुत इजीली यूज करते रहते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो साइन थीटा प्लस थीटा लिख के हम लिख लेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 लिखिए, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे दोनों तो रिपीट है, तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हमारा ये हो गया। सिमिलरली कॉस 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस थीटा, दैट इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, कॉस टू थीटा का एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज यहाँ पे क्यों आ? क्योंकि हम लोग पहले पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बैठा दिए कॉस, तो यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये, दूसरा ये हुआ। सिमिलरली और भी हम लोग बना सकते हैं इसका, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। इसको हम यहाँ पे आकर इसी से हम लिख रहा रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका तीसरा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। यहाँ पे अभी तीन फार्मूला, इसके अलावा भी हम लोग टैन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे टैन का नहीं बोल रहे हैं क्योंकि साइन कॉस का हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। उसी तरह से हम इसका बाद में देखेंगे कि टैन वाला में कैसे होगा, अभी फ़िलहाल हम लोग लिखेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर टैन 2 थीटा जब लिखेंगे तो उसका क्या आएगा? टैन 2 थीटा को तो लिखेंगे टैन थीटा प्लस थीटा, दैट इज टैन थीटा प्लस टैन थीटा बटा में वन माइनस टैन थीटा इंटू टैन थीटा, जो कि फार्मूला भी हम लोग लाए थे टैन ए प्लस बी का फार्मूला जो लाए थे उसी पे। टैन थीटा टू टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन टू थीटा का फार्मूला ये हो गया आपका। ठीक है, अब हमारा हो गया, ये तो हो गया। अब साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से, और साइन 2 थीटा का भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक पहले से कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस 2 थीटा को हम साइन थीटा के फार्मूला में लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि पीछे हम लोग किए थे, और साइन थीटा का वैसे ही। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा में लिखे कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस इसको गुना करेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। यहाँ पे एक पर और तोड़ दीजिए, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। 2 साइन थीटा और साइन थीटा मिलके 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 4 साइन क्यू थीटा। ये आपका साइन 3 थीटा का फार्मूला हो गया। सिमिलरली कॉस 3 थीटा का हम
फार्मूला, साइन थ्री थीटा को हो गया कॉस थ्री थीटा का, कॉस थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा का फिर वैसे लिखेंगे टू थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे तोड़ देंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू पहले से साइन थीटा, तो ये साइन से साइन थीटा मिलके यहाँ पे गुना होगा, तो टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे टू कॉस थीटा को बाहर निकाल देंगे तो टू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आपका हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तोड़ दीजिए टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस टू कॉस क्यू थीटा, ये और ये मिलके फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थ्री थीटा का फार्मूला। ये आप लोग को थोड़ा देखिए ड्राइव तो कर सकते हैं लेकिन एग्जाम टाइम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें ड्राइव करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आता है ये फार्मूला, हम कब कब यूज कर सकते हैं, आपको ये सब ट्रिक बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो लेकिन जैसे आपको पहले फार्मूला हम आपको दिखा दे रहे हैं कि फार्मूला है क्या क्या। सिमिलरली अब साइन थ्री टैन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा कर लिए, कॉस थ्री थीटा कर लिए, हम लोग अब टैन थ्री थीटा देख रहे हैं, टैन थ्री थीटा को क्या लिखेंगे, टैन टू थीटा प्लस थीटा, फिर से वही टैन टू थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन टू थीटा इंटू टैन थीटा। टैन टू थीटा का फार्मूला हम लोग लिखे थे तो क्या था, टू टैन थीटा बटा में वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टू टैन थीटा बटा में वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे टू टैन थीटा प्लस यहाँ पे टैन थीटा इंटू वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ का भी एलसीएम वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस ये टू टैन थीटा इंटू टैन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इसको, तो क्या होगा देखिए ऊपर का टू तोड़ना पड़ेगा, टू टैन थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टैन क्यू थीटा, ठीक है। ये देखिए कट गया, ये नीचे बच गया वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा और टू टैन स्क्वायर थीटा थ्री टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टू टैन थीटा टैन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा बटा में वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका टैन थ्री थीटा का फार्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए निकालने के लिए तो बहुत सारा फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन जो अभी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका बेसिक फार्मूला में ये सब निकाल दिए हम लोग, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग का बहुत सारा प्रूफ आता है तो ये सब फार्मूला का हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। साथ ही जो आपको रोक के रखे हुए थे कि हम साइन टू थीटा को टैन थीटा में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी साथ साथ ड्राइव कर दे रहे हैं कि देखिए साइन टू थीटा जब हम लिखे थे तो लिखे थे फार्मूला आया था टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो यहाँ पे नीचे में वन लिख सकते हैं, वन किस लिए, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं वन का, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में वन के जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बटा में प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे हम भाग दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं,
तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया, ये यहाँ से एक कट गया तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया टू टैन थीटा। और यहाँ देखिए वन पहले लिख दिए और यहाँ पे क्या है टैन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन टू थीटा का टैन टू थीटा में भी फार्मूला ये आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कॉस टू थीटा का भी, ठीक है। तो कॉस टू थीटा का भी फार्मूला हम टैन में कैसे यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन पूछिएगा यहाँ पे कि सर हम कॉस टू थीटा का तो फार्मूला हम तीन जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा आपका कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। हम लोग ये से जानते हैं तो हम यही यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बताए हैं आपको कि यहाँ पे हमको टैन में चाहिए, ठीक है, टैन में चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का कॉम्बिनेशन है तो हमारा टैन में इसलिए इजीली मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पे वन के जगह पे लिख दिए, अब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कट गया, ये भी आपका कट गया, यहाँ पे क्या हो गया वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटा में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कॉस टू थीटा का फार्मूला आ गया है, ठीक है। अब बहुत सारे इसमें क्या है फार्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा हुई होता है, सिचुएशन आता है कि हम लोग ना जानते हुए भी कभी कभी गड़बड़ हम लोग कर देते हैं, क्योंकि उस ध्यान नहीं रहता है कि हम इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे कंपटीशन में इसका अप्लीकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, हम लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हैं तो बेसिक फार्मूला आपको ड्राइव सिखा दिए, पिछले क्लास का ग्राफ दे काम दिए थे तो ग्राफ सिखा दिया आपको कि ग्राफ कैसे आएगा, आपका वो वैल्यू आपका चेक कर लेगा, जिसका दिक्कत हुआ हो रहा होगा 720 तक निकालने में तो आप प्लीज़ कमेंट पे लिखिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको हम जब ऑफलाइन क्लास होगा तो हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं बुला करके, ठीक है। अब जो दूर वाले होंगे उनको फिर मैसेज में देना होगा, ठीक है, तो ड्राइव करके, या हो सकता है कि अगला लेक्चर कभी जो देंगे हम नेक्स्ट का नेक्स्ट लेक्चर में तो उसमें आपका उसमें डाल देंगे हम आपका सोल्यूशन, ठीक है, तो हो सकता भी है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये जो फार्मूला जो आया हम लोग यूज कैसे आएगा, ठीक है। तो आपका फार्मूला जो होता है यूज कैसे आएगा, तो क्वेश्चन के बेसिस पे, आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है उसमें, क्या आपका पूछ रहा है, मतलब अगर साइन थीटा दिया है और टैन में पूछ रहा है तो हम लोग टैन वाला का रिजल्ट में साइन थीटा टू थीटा का फार्मूला टैन वाला में रिजल्ट देंगे। कॉस टू थीटा का अगर पूछ रहा है कोई टैन थीटा में तो हम वहाँ पर टैन थीटा में देंगे, ठीक है, और टैन थीटा का टैन थीटा में तो है ही है ना, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं आ रहा। देखिए अब जो टैन थ्री थीटा तक हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है, टैन थ्री थीटा तक पहुँच गए हैं, तो हम लोग कभी कभी डायरेक्ट आपका ना टैन ए प्लस बी का भी आता है, ए प्लस बी प्लस सी का भी आता है, तो बनाने का तरीका वही है जो हम पीछे भी बनाए हैं, फिर भी आपको हम ड्राइव करके दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टैन ए प्लस बी को एक मान लेंगे और C को हटा देंगे, आप B प्लस सी को एक मान लीजिए और A को अलग हटा दीजिए, ठीक है, तो हमारा टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे हम तोड़ देंगे, टैन ए प्लस बी प्लस टैन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन ए प्लस बी इंटू टैन सी, फिर से यहाँ पे पुट कीजिए, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी प्लस टैन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन ए प्लस टैन बी वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, और इसके मल्टीप्लाई में है टैन सी। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अच्छे दिखाई देने के लिए हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं ताकि आपको दिखे,
अब देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे इसका, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके में नीचे तय है ये, तो ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका टैन ए प्लस टैन बी, और इधर चला जाएगा प्लस टैन सी इंटू वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। एलसीएम यही रह जाएगा जो नीचे है, तो हम एलसीएम को वैसे ही दिखा दे रहे हैं, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी डिवाइडेड बाई नीचे का भी एलसीएम, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। इधर आएगा आपका तो वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस ये टैन ए इंटू टैन सी, टैन ए इंटू टैन सी माइनस टैन बी इंटू टैन सी, टैन बी इंटू टैन सी, ठीक है। ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, जो मेरा काम था हो गया, नीचे वाला कैंसिल, ऊपर अब तोड़ते जाइए तो आ गया टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी डिवाइडेड बाय यहाँ पे वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू माइनस टैन ए इंटू टैन सी इंटू टैन बी इंटू टैन सी। अब देखिए यही है आपका फार्मूला, किसका था, आपका फार्मूला था टैन ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। अब इसी फार्मूला पे ए बी सी अगर थीटा थीटा रख दे तो टैन थ्री थीटा हो जाएगा। अब यहाँ बैठा के देख लीजिए पीछे वाला जो फार्मूला बताया थे वही है कि नहीं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं बहुत सारा चीज़ का एप्लीकेशन का, ठीक है। अब आप देखे होंगे कि आपका एक आया होगा आपका टैन सेवेंटी बराबर प्रूफ करना था, टैन टू टैन फिफ्टी प्लस टैन ट्वेंटी, तो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, प्रूफ करना ये है। तो टैन सेवेंटी को क्या लिख सकते थे, क्योंकि फिफ्टी और ट्वेंटी दिख रहा है तो हम फिफ्टी प्लस ट्वेंटी में तोड़ लेंगे। फार्मूला आपका होता है टैन फिफ्टी प्लस टैन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन फिफ्टी, टैन फिफ्टी इंटू टैन ट्वेंटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो आएगा टैन सेवेंटी माइनस टैन फिफ्टी इंटू टैन ट्वेंटी इंटू टैन सेवेंटी बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका टैन फिफ्टी प्लस टैन ट्वेंटी, ठीक है। टैन ट्वेंटी और टैन सेवेंटी, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो टैन सेवेंटी माइनस टैन फिफ्टी, इसको लिख सकते हैं टैन नाइन्टी माइनस सेवेंटी इंटू टैन सेवेंटी बराबर टैन फिफ्टी प्लस टैन ट्वेंटी। टैन नाइन्टी माइनस सेवेंटी बराबर टैन सेवेंटी माइनस टैन फिफ्टी, ये आपका हो गया कॉट सेवेंटी इंटू टैन सेवेंटी बराबर टैन फिफ्टी प्लस टैन ट्वेंटी, ठीक है। जगह बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से टैन सेवेंटी माइनस टैन फिफ्टी, क्यों, क्योंकि ये दोनों का एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, तो वन बराबर यहाँ पे टैन फिफ्टी प्लस टैन ट्वेंटी। तो यहाँ से हम टैन फिफ्टी को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टैन सेवेंटी बराबर टू टैन फिफ्टी प्लस टैन ट्वेंटी। देखिए कितना इजीली प्रूफ हो गया जो आपको पूछ रहा था क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने में आपका ये सब फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो हम आप लोग को आज इतना ही छोड़ रहे हैं वीडियो पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का चैप्टर देंगे जो कि आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन का होगा, ठीक है।
इलेवेंथ क्लास का आप पूरा अच्छे से फॉलो कीजिएगा। एक लेक्चर अभी मतलब और दे सकते हैं बेसिक का, अगर हो सकता है ज़रूरत होगा तो। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक भी पहुँचे हैं उसके हिसाब से आपका चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू।